नमस्कार। आज हमने जो टॉपिक लिया है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई एम श्योर फॉर अ लेमैन इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, क्योंकि नॉर्मली लोग इस बारे में ना सोचते हैं और ना उन्हें ज्यादा पता होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड FDI इन एक्सट्रीमली लेमैन लैंग्वेज, ऐसा कि हम जब पढ़ें तो हमें ऐसे समझ में आए लाइक वी वुड नेवर फॉरगेट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI। तो FDI और FPI में बेसिकली डिफरेंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और वॉल्यूम का होता है। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी एंटिटी आउट ऑफ इंडिया से जब कोई पैसा इंडिया में आता है, इट इज टर्म्ड एज FDI और FPI। FDI और FPI में क्या डिफरेंस है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। व्हेन एन आउटसाइडर इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन एन इंडियन कंपनी विद अ विलिंगनेस टू अक्वायर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, देन इट इज टर्म्ड एज FDI। जब कोई आउट ऑफ इंडिया से इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड ऑल्सो फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? FDI। What about FPI? FPI is something taken for stock market purpose. Like suppose I'm a small buyer, I want to invest in Infosys or say Wipro or Reliance. So my interest is not substantial in that those entities. In the same manner, if someone out of India se Indian companies mein invest karta hai with an interest in short term profit making, so that is termed as FPI. Now there are certain restrictions in which FDI cannot be brought. ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट एरिया है, यू कैन इन्वेस्ट इन इट विदाउट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो लेट्स हैव अ लुक प्रोहिबिटेड एरियाज ऑफ FDI: लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, एटॉमिक एंड रेलवेज। एटॉमिक एंड रेलवेज में ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर लाउड है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो वगैरह। रियल स्टेट एंड DDR. DDR इज ट्रेड डेवलपमेंट राइट्स। नाउ अभी रिसेंटली एक मॉडिफिकेशन आया था जिसके अकॉर्डिंग जैसे एज दिस कोविड ऑल स्टार्टेड there was one major amendment by the Indian government, and that is FDI cannot be brought in under automatic route from the countries who are sharing land borders with India. Right, so let's have a look on those countries jinke sath India land border share karta hai. For a quick memorizing purpose I have mentioned an acronym jisme aapko sirf do letters yaad rakhne, M and N. The letters are making as PAK, M, B and B. I am sure it's not easy, that difficult to remember. P for Pakistan, A for Afghanistan, C for China, M for Myanmar, B for Bangladesh, N for Nepal, and then B for Bhutan. Okay? In countries, se, as on the date, agar FDI aane wala hai, to that has to be routed through government approval. Okay? Abhi aisa kuch bhi FPI ko leke nahi restriction dala gaya, as from my knowledge. But FDI, there is definitely this government rule. Now, let's see some sectorial limits. वैसे तो आई एम श्योर ये सेक्टोरियल लिमिट्स टेक देम एज सैम्पल, एवरी सेक्टर इज मतलब बहुत माइन्यूटली इसको आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू आर एक्चुअली इंटेंशनली इंटेंडिंग टू ब्रिंग सम FDI, बट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज हम मोटा मोटा देखेंगे सो दैट इट डजंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, यू नो सिंपल थिंग्स आर इजी टू रिमेंबर। ओके सो लेट्स हैव अ लुक। प्रिंट मीडिया इट्स 26%, इंश्योरेंस 49%, पब्लिक सेक्टर बैंक 20%, प्राइवेट सेक्टर बैंक 74%, डिफेंस 100%, टेलीकॉम 100%, एग्रीकल्चर 100%, कोल माइनिंग 100%, एयरपोर्ट 100%। Please note, some of them are 49% under automatic and beyond 49% you may have to take some government approval. So, on these provisions are very dynamic, so they keep on changing. Now, let's have a look on filing part. Kaisa hota hai na, when a non-resident Indian is a non-resident, any person is doing any kind of investment in any Indian company, तो आरबीआई जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकता है वो अपने देश के लोग पे लगा सकता है। वी कांट कंपेल एनी आउटसाइडर टू डू सर्टेन काइंड ऑफ फाइलिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ दिस ऑल थिंग्स, ये ऑब्लिगेशन इंडियन कंपनीज जिसमें वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए दिया गया है कि दे हैव टू डू फाइलिंग्स टू आरबीआई। आई एक नॉन रेसिडेंट है से मिस्टर जॉन और डोनाल्ड ट्रंप, ही इज मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पर टाटा, तो टाटा हैज टू डू फाइलिंग विद आरबीआई। There are 9 kinds of form, we will see that in different video because that's another level of complications. So, keep file karna padta hai to RBI. Okay? Now, let's understand. I have mentioned two words there. Repatriable and non-repatriable. Repatriable or non-repatriable ka matlab kya hota hai? Repatriable ka matlab hota hai ek some kind of money which can be taken back from India. Means if, say, Michael is a person who has invested in any entity, say, ITC. To wo jo paisa leke aaya na, it is on repatriable basis. Example de rahi hun. To that money he can take back. He can sell the shares of ITC and take back that money. Okay. Now suppose there is another person, Surbhi. Surbhi is a girl who is living in USA. She has made some investment in Accenture. But that particular money that she has been investing, she had earned that money in India. Uspe kuch restrictions hai. So that particular amount of money becomes non-repatriable. Matlab, when a certain sum of money is non-repatriable, so that money cannot be taken back from India to any other country, in any condition.
तो आई होप आप प्रिपेटरेबल और नॉन प्रिपेटरेबल का मतलब समझ गए. ठीक, अभी देयर इज वन मोर स्मॉल टर्म, वन मोर स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट आई विश टू डिस्कस, दैट इज एनआरआई हैविंग टू अकाउंट्स, एनआरआई अकाउंट एंड एनआरओ अकाउंट. एज आई ऑलरेडी सेड, वी विल डिस्कस द लेमैन लैंग्वेज. ओके, एनआरआई अकाउंट का मतलब होता है एक नॉन रेसिडेंट इंडियन जिसने फॉरेन में कुछ पैसा कमाया और उसको इंडिया में मीन्स लाके रखा इन फॉरेन करेंसी, दैट इज एनआरआई अकाउंट. नाउ देयर इज एनआरओ अकाउंट. एनआरओ अकाउंट का मतलब होता है एक इंडियन जो बहुत सालों से इंडिया में रह रहा था, ही अर्न सम मनी इन इंडिया एंड देन ही लेफ्ट टू अनदर कंट्री. तो जो पैसा उन्होंने इंडिया में कमाया, दैट ऑल्सो हैज टू बी केप्ट समवेयर, दैट विल बिकम, दैट विल बी केप्ट इन एनआरओ अकाउंट. ये एनआरओ अकाउंट को आउट ऑफ इंडिया से मैनेज कर सकते हो, बट डेफिनेटली देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट. जैसे आप एनआरओ अकाउंट का इंटरेस्ट रिपैट्रिएट कर सकते हो, पर जो प्रिंसिपल है वो आप रिपैट्रिएट नहीं कर सकते. एनआरई अकाउंट का पैसा आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप एनआरओ अकाउंट का पैसा वो जनरली इंडियन करेंसी में ही होगा. बोथ ऑफ देम कैन बी विथड्रॉन इन इंडियन करेंसीज. ओके, वी हैव मेनी मोर वीडियोज ऑन एफडीआई फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. सो लेट्स सी यू अनदर वीडियो.